हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडी ज़िला और आपका इस चैनल पे यानी ट्रिकोलॉजी स्टडी ज़िला पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग जो है वो मेडिवल हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और ये मेडिवल हिस्ट्री का जो है पार्ट वन है, यानी आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसका नाम है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। देखिए, जो भारत पर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री जो है यानी मध्यकालीन भारत शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इसका पार्ट है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो NTPC हो चाहे UPSC हो, और आपके हर एग्ज़ाम में देखिए हिस्ट्री से जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है सबसे पहले शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर वन, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जो भारत पर जो है सबसे पहले आक्रमण जो है वो किसने किया था? अरबों ने किया था। तो अब भारत पे वही और भारत पे अरबों ने किया था आक्रमण, लेकिन कहाँ किया था? ठीक है, तो वो सिंध पर किया था। देखिए, ये जो मैंने जितने भी टॉपिक्स लिए इसको मैंने पूरे डिटेल में नहीं लिखा है, कुछ पॉइंट्स कर के लिखे हैं जिससे कि आप जो है आसानी से समझ पाए और नोट्स बनाने में आपको बहुत ही आसानी हो, बहुत ही ईजी हो। ठीक है, लेंदी वे में लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है इसी प्रकार से हम लोग सारे टॉपिक्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा लेकिन पढ़ेंगे डिटेल में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जो भारत पर जो है सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था। आपसे क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स में कि भारत पर जो है वो आक्रमण सबसे पहले किसने किया था, तुर्क ऑप्शन दे देगा, तुर्कों ने किया था, अफगानों ने किया था या अरबों ने किया था। तो सबसे पहले जो है आक्रमण वो किसने किया था? अरबों ने किया था, और कहाँ किया था? सिंध पर किया था। ठीक है, सिंध पर किया था। और देखिए, अब ये जो आक्रमण, देखिए ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आक्रमण जो है वो अचानक शुरू हुआ, ये जो आक्रमण है ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन बस ये जो है इसका जो उल्लेख है वो सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो काजी स्वाइल की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? चचनामा। ठीक है, तो इस चचनामा में जो है इसका उल्लेख मिलता है कि भारत पर जो है वो जो आक्रमण पहला आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? अरबों ने किया था। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान जाते हैं कि इस चचनामा में लिखा क्या गया है क्या, और इसका नाम चचनामा क्यों है। ठीक है, जो काजी इस्माइल की पुस्तक है चचनामा क्यों है? देखो, क्वेश्चन बन सकता है कि चचनामा जो है वो किसकी पुस्तक है, या तो फिर काजी इस्माइल की पुस्तक पूछ सकता है ऐसे एग्जाम्स में। तो देखिए, इससे पहले हम आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं। देखिए, चचनामा इसलिए नाम है क्योंकि जिस टाइम ये अरबों का आक्रमण हुआ था उस टाइम, देखिए हमने बताया कि सबसे पहले आक्रमण कहाँ हुआ था? सिंध पे। तो उस टाइम जो है वो सिंध का जो राजा था, ठीक है, सिंध पे जिसका राज चलता था, जो शासन करता था वो था दाहिर, और दाहिर जो था वो किस वंश का था? चच वंश का था। किस वंश का था? दाहिर चच वंश का था, इसीलिए इस पुस्तक का नाम रखा गया चचनामा। ठीक है, तो चच का वंशज कौन था? दाहिर था। उस टाइम सिंध का क्या था? ये राजा था। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए जो है वो ये तत्कालिक कारण क्या था, मतलब सिंध पे जो है वो आक्रमण ऐसा क्या रीजन बना, ऐसा क्या कारण बना कि सिंध पर अचानक आक्रमण हुआ? ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन पैसे के लिए और बहुत सारे लूटपाट जो होते थे ऐसे कर करके जो है भारत पे आक्रमण हुए करते थे। लेकिन सबसे पहले इसकी हम बात कर रहे हैं चचनामा में जिसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, 708 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, उस तत्कालिक कारण हम आपको बता रहे हैं कि क्यों हुआ था। तो देखिए, था क्या कि देखिए सिंध के पास, ठीक है, जो सिंध वाला इलाका था उसके पास जो है वो एक बंदरगाह पड़ता है, देवल बंदरगाह। तो उस बंदरगाह के पास ही जो है वो ईरान द्वारा भेजा जा रहा एक जहाज जा रहा था, जो कि जा रहा था कहाँ पे? लंका, श्रीलंका वाला लंका, ठीक है, जिसको सिन्हल भी बोलते हैं। तो ये वहाँ जा रहा था, उस जहाज में जो था बहुत सारी नव युवतियाँ थीं और बहुत ढेर सारा धन था, जो कि उपहार स्वरूप जो कहाँ जा रहा था? लंका जा रहा था। और उसे भेज कौन रहा था? ईरान का गवर्नर हज्जाज भेज रहा था। ठीक है, ईरान का जो गवर्नर जो था वो हज्जाज कह रहा है, उपहार स्वरूप जो है वो लंका के राजा को भेजा जा रहा था, बहुत ढेर सारा धन और बहुत ढेर सारी नव युवतियाँ थी उसमें। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ईरान ईरान से अगर कोई जाएगा तो वो भारत होते हुए भारत के द्वारा होता हुआ फिर वो कहाँ जाएगा? लंका जाएगा। तो क्या होता है, जैसे ही वो देवल बंदरगाह के पास वो नाव आती है तो वहाँ के बहुत सारे लुटेरे जो होते हैं उस जहाज को जो है वो लूट लेते हैं, सारा धन वगैरह सब कुछ लूट लेते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद होता क्या है कि अब जो है ईरान के गवर्नर हज्जाज को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो क्या बोलता है, सिंध के जो राजा रहता है, सिंध का राजा कौन? दाहिर। तो दाहिर को ये मैसेज, ये पत्र भिजवाता है, ये संदेश भिजवाता है कि जितनी भी हानि हुई है उसकी, उसको क्या करे, वापस करे, या फिर
जो जिन लुटेरे ने उसकी वो क्या लूटपाट किया है उनको क्या करे, दंडित करे। ठीक है, तो दाहिर क्या बोलता है कि उसका जो लुटेरे जो है उन पे उसका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, वो उनको सजा नहीं दे सकता, उनका जो है उस पे कोई अधिकार नहीं है। तो ये बात सुन के जो है वो ईरान का जो गवर्नर रहता है हज्जाज, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो दाहिर रहता है वो साफ साफ मना करता है कि वो मेरे जो है क्षेत्र से बाहर है। तो इसी बात से जो है वो हज्जाज को गुस्सा आ जाता है, वो ये निर्णय लेता है कि वो जो है वो सिंध पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये थी पूरी कहानी कि किस वजह से जो है वो तत्कालिक कारण क्या था कि जो है वो सिंध पर आक्रमण किया गया। इतना सबको समझ में आया, तो देखिए ये क्लियर है। और कब आक्रमण किया जाता है, कब ये लूट, कब ये देखिए आक्रमण किया जाता है, 708 ईस्वी में। तो देखिए सिंध का जो देव, यही मैंने लिखा है कि सिंध का जो बंदरगाह देवल है उसके निकट क्या होता है, लूटपाट होती है जहाज की। ठीक है, उस टाइम ईरान का गवर्नर कौन रहता है, हज्जाज रहता है। ठीक है, तो अब देखिए हज्जाज इतना बताया कि हज्जाज को गुस्सा आता है इस बात से, और वो क्या करता है, जो वहाँ के खलीफा रहते हैं, ठीक है, ईरान के खलीफा, क्या उनका उस टाइम जो तत्कालिक खलीफा रहता है उनका नाम रहता है वलीद, इनसे अनुमति मांगता है कि वो जो है वो सिंध पर आक्रमण करने के लिए अनुमति मांगता है। कौन, हज्जाज, किससे, वहाँ के खलीफा वलीद से। और ये क्या करते हैं, वलीद जो है खलीफा इनको सहमति दे देते हैं हज्जाज को। फिर हज्जाज क्या करता है, किसको भेजता है, उबैदुल्ला को भेजता है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो उबैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, लेकिन क्या होता है, उबैदुल्ला जो होता है वो दाहिर से हार जाता है। क्लियर, फिर उसके बाद हार जाता है, फिर हज्जाज क्या करता है, दोबारा किसको भेजता है, बुदैल को भेजता है। ये जो बुदैल जाता है वो भी हार जाता है, और इसी में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, दो बार हार हो जाती है, फिर हज्जाज जो फाइनली क्या करता है वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जिसको हम लोग मीर कासिम भी बोलते हैं। और मीर कासिम को कब भेजता है, 712 ईस्वी में। ठीक है, कब, 712 ईस्वी में भेजता है, किसको, मीर कासिम को या फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। ये क्या रहता है, इसका जो है वो दामाद रहता है, क्या, दामाद रहता है। फिर उसके बाद देखिए मीर कासिम अब आ गया, अब जब आया है सिंध पे, भारत में आया है, तो जाहिर सी बात है लड़ाई होनी ही होनी है। तो अब ये लड़ाई क्या होती है कि देखिए जो कासिम है वो सिंधु नदी की एक मुख्य धारा, यानी देखिए अगर कोई एक मेन नदी है तो उसकी बहुत ढेर सारी धाराएं होती हैं, तो उसी प्रकार एक धारा रहता है, उसका नाम क्या है, मेहरान। ठीक है, मेहरान को पार करके जो है मोहम्मद बिन कासिम वो पहुँचता है बहमनाबाद। कहाँ पहुँचता है, बहमनाबाद, जिसको ब्राह्मणाबाद भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको एक चीज़ आपको बता देते हैं, देखिए ये जो चच का वंश, चच जो है इस वंश, जो चच वंश है इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखिए चच वंश से पहले जो है वो यहाँ पे राय वंश हुआ करता था। ठीक है, राय वंश, क्या, राय वंश। और इस राय वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम था सासी द्वितीय। तो क्या होता है, सासी द्वितीय जो होता है, सासी द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है तो उसी के शासनकाल में एक ब्राह्मण मंत्री रहता है, उसका नाम रहता है चच। ठीक है, उसका नाम ब्राह्मण मंत्री रहता है, किसके, सासी द्वितीय, जो कि राय वंश का रहता है। तो उसी के शासनकाल में जो ये जो ब्राह्मण मंत्री रहता है वो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, जो कि किस नाम से जाना जाता है, चच नाम से जाना जाता है। फिर चच के बाद जो है वो दूसरा राजा आता है, कौन, चंद्र। फिर चंद्र के बाद जो आता है वो दाहिर। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मण, ये जो चच देख रहे हैं, एक ब्राह्मण मंत्री था। ठीक है, तो ये जो पूरा चच, फिर उसके बाद चंद्र जो आता है, फिर दाहिर आते हैं, ये सभी क्या रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये जो बसाया गया जो ये रहता है जगह, उसी को बोलते हैं बहमनाबाद, या फिर ब्राह्मणाबाद भी बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखिए अब ये देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत आ चुका है, तो भारत आने के बाद वो जो है सिंधु नदी की मुख्य धारा मेहरान को पार करके कहाँ आता है, बहमनाबाद आता है, या फिर ब्राह्मणाबाद आता है। फिर देखिए यहाँ पे आने के बाद 712 ईस्वी में, ठीक है, 712 ईस्वी में रावर के पास, ठीक है, रावर बोलिए या फिर रावर बोलिए, ठीक है, यहाँ पे जो है वो युद्ध होता है, किसके किसके बीच में, दाहिर के बीच में और जो है मोहम्मद बिन कासिम के बीच में। तो जिसमें कि क्या होता है, दाहिर जो होता है वो क्या होता है, उसकी हार होती है, दाहिर जो होता है वो हार जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और ये तो आपको पता ही कि जो दाहिर की जो राजधानी रहती है वो क्या रहती है, अरोर रहती है, ये ध्यान रखिएगा, दाहिर की राजधानी जो रहती है अरोर रहती है।
तो इतना क्लियर हुआ मोहम्मद बिन कासिम की फाइनली जो है वो 712 ईस्वी में क्या होती है, जीत हो जाती है और दाहिर की हार होती है। इतना क्लियर। फिर देखिए जो है अब ये दो मोहम्मद बिन कासिम इतना जीत के वापस नहीं चला जाता, ये और जगह विस्तार करता जाता है। तो ये फाइनली जो है अंतिम जो देखिए बहुत जगह ये विस्तार लड़ाई करता है, लेकिन जो इसका अंतिम विजय रहता है वो कहाँ पर रहता है, मुल्तान रहता है। कहाँ पर, मुल्तान। और फिर उसके बाद मुल्तान के बाद जो है प्लानिंग बना रहता है कि वो कन्नौज पर आक्रमण करेगा। ठीक है, तो कन्नौज पे आक्रमण करने की ये प्लानिंग बना रहा होता है, तभी ठीक है उसी दौरान जो होता है वहाँ के नए खलीफा बन जाते हैं। देखिए इससे पहले खलीफा कौन थे, खलीफा वलीद थे, लेकिन बाद में जो नए खलीफा जब ये आक्रमण करने की तैयारी करता है कन्नौज पे, उसी टाइम जो है नए खलीफा जो होते हैं वो सुलेमान बन जाते हैं। कौन, सुलेमान। लेकिन जो ये जो सुलेमान रहते हैं, ठीक है, जो नए खलीफा सुलेमान रहते हैं, इनकी जो है वो ना तो मीर कासिम से बनती है, यानी मोहम्मद बिन कासिम से भी नहीं बनती थी, और ना ही कि यहाँ के खलीफा वलीद से बनती थी। तो वलीद ने ही जो है इनको भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को, तो इसीलिए जो होता है वो सुलेमान जो होता है वो जलन के मारे इसको क्या करता है, मीर कासिम को वापस बुलवा लेता है। ठीक है, आदेश देता है कि तुम वापस आ जाओ। इसीलिए जो है ये कन्नौज पे आक्रमण नहीं कर पाता, ये वापस चला जाता है कहाँ पे, ईरान। ठीक है, फिर जहाँ पे जब ये ईरान वापस चला जाता है तो वहीं पे जो ये सुलेमान जो होता है वो उसकी जो हत्या करवा देते हैं, किसकी, मीर कासिम की। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये था जो है पूरा अरबों का आक्रमण के बारे में, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तुर्कों का आक्रमण, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, फिर आई नो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी यू गाइज प्लीज एडजस्ट इट। सो अगला देखते हैं तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण में देखिए सब हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे तुर्कों के आक्रमण में, एक तो पहला जो है वो गजनवी वंश पढ़ेंगे और दूसरा जो है वो गोरी वंश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं गजनवी वंश के बारे में। देखिए गजनवी वंश का आप ध्यान रखिएगा, गजनवी वंश को जो है हम लोग यामिनी वंश भी बोलते हैं। क्या, यामिनी वंश भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यामिनी वंश। उसके बाद देखिए ये जो अरबों का आक्रमण था ये अस्थाई था, यानी अस्थाई सत्ता स्थापित कर पाई, यानी देखिए यहाँ पे जो है वो परमानेंट नहीं रह पाई। ठीक है, लेकिन जो तुर्कों का आक्रमण था ये थोड़ा स्थाई था। ठीक है, स्थाई क्यों, क्योंकि तुर्कों ने ही जो है आगे जो है तुर्कों के वजह से जो इस्लाम धर्म का ज़्यादा प्रचलन हुआ भारत में, तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए भारत में जो इस्लामी राज्य का इस्लामी राज्य को स्थापित करने का श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, तुर्कों को दिया जाता है। किसको, तुर्कों को दिया जाता है। ओके, क्लियर। अगला देखते हैं, देखिए तुर्कों में अब हम देख रहे हैं गजनवी वंश। तो गजनवी वंश को जो स्थापित करने वाला राजा था वो कौन था शासक, वो था अलप्तगीन। कौन, अलप्तगीन। ओके, तो ये जो है अलप्तगीन था कौन अब, ठीक है ये बात आती है। तो देखिए तत्कालिक जो देखिए बहुत सारे जो ईरान में या फिर उधर से बहुत ढेर सारे राजा हुआ करते थे, तो उसी प्रकार जो है वो वहाँ पे जो एक शासक था जिसका नाम था अब्दुल मलिक, ये अब्दुल मलिक का दास था। कौन, अलप्तगीन। ओके, और इसी ने किसकी, गजनवी वंश की स्थापना की थी। क्लियर, और जो है गजनवी वंश की राजधानी क्या थी, गजनी थी। क्लियर, ये हो गया। फिर उसके बाद जो होता है इसका दास, किसका दास, अलप्तगीन का दास होता है वो सुबुक्तगीन, वो जो होता है वो आता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ये जो हमने लिखा है कि अलप्तगीन का जो दास होता है और बाद में क्या बन जाता है, ये दास रहता है, फिर बाद में जो है ये दामाद, मतलब इसकी बेटी से जो है वो अलप्तगीन की बेटी से वो शादी कर लेता है, उसका दामाद बन जाता है, तो ये रहता है। फिर उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत ही देखिए अगर पूछा जाए कि भारत में तुर्कों में सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो आपका ऑप्शन दे देगा अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो आप क्या लगाएंगे, अलप्तगीन नहीं बल्कि सुबुक्तगीन था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था, पहला तुर्क जिसने भारत पर आक्रमण किया था। क्लियर, और कब किया था, 987 में। बहुत ही आसान याद करना है, 789, ठीक है 789 ऐसे याद करिए। तो 987 में इसने क्या किया था, सुबुक्तगीन ने पहली बार जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। अभी ये आक्रमण किया है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी से लड़ाई होनी है, तो उस टाइम कौन राजा रहता है, एक तो सुबुक्तगीन हो गया एक तरफ, दूसरी तरफ भारत में कौन है जिससे लड़ाई होने वाली है, तो वहाँ पे एक उस टाइम जो है एक हिंदू शाही वंश हुआ करता था। ठीक है, उस टाइम हिंदू शाही वंश जिसका राजा कौन था, जयपाल था। ठीक है, तो जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि सुबुक्तगीन की जो देखिए उस टाइम होता क्या है, जब इन दोनों के बीच इन दोनों में लड़ाई होती रहती है उस टाइम जो है वो हिमपात पड़ने लगता है, यानी बर्फ़ पड़ने लगता है। तो ये बर्फ की वजह से जो होता है वो जो जयपाल की जो सेना रहती है वो काफ़ी तितर बितर हो जाती है। तो
अब देखिए ये जो है तितर बितर इसकी सेना हो गई, बिल्कुल बिखर गई है। तो अब ये जो है वो लड़ाई करने के हालत में रही है। तो अब देखिए ये लड़ाई करना करने की हालत में नहीं है, इसकी सेना काफ़ी बिखर चुकी है। तो ये दोनों क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं। क्लियर, संधि हो जाती है। फिर संधि के बाद जो है अब एक बार संधि हो गई इसकी, मान लीजिए फिर क्या होता है, मतलब एक तरीके से जयपाल की हार ही समझिए। तो बाद में होता है संधि हो जाती है, फिर क्या करता है जयपाल जो रहता है इस संधि को ठुकरा के तोड़ के क्या करता है, कालिंजर, कन्नौज, अजमेर, ठीक है, इन तीनों की सेना को एकत्रित करके एक संगठन बनाता है। ठीक है, कि हम जो इन तीनों में मिलकर और ये जयपाल मिलके, ठीक है, ये सभी मिलके जो है वो किस पे आक्रमण करेंगे, सुबुक्तगीन के खिलाफ आक्रमण करेंगे। ठीक है, संधि के बाद की हम बात बता रहे हैं। तो ये तीनों मिलके किस पे आक्रमण करेंगे, सुबुक्तगीन पे आक्रमण करेंगे। फिर भी देखिए इन तीनों के संगठन होने के बावजूद भी जो है वो जयपाल की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। क्लियर, जयपाल की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए इतना क्लियर हुआ, मेन जीतता कौन है, सुबुक्तगीन की जीत होती है। फिर उसके बाद जो होता है आता है महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी को जो क्या बोलते हैं, बुद्ध किशन मूर्ति भंजक, क्योंकि सभी को पता है कि इसने क्या किया, बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा है और उन्हें लूटा है, इसलिए इसको बुद्ध किशन मूर्ति भंजक बोला जाता है। अब अगला देखिए कि इस टाइम जो है, देखिए महमूद गजनवी, देखिए ये जो है महमूद गजनवी जो रहता है वो सुबुक्तगीन का बेटा रहता है। क्लियर, सुबुक्तगीन का बेटा रहता है। और देखिए इसके टाइम में, यानी जब सुबुक्तगीन का शासनकाल चल रहा था उस टाइम जो है वो महमूद गजनवी जो है वो खुरासान का शासक रहता है। कहाँ का शासन रहता है, खुरासान का शासक रहता है। और इसने जो है, देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा कि ये जो सीस्वान के एक राजा रहते हैं जिनका नाम है खल्फ बिन अहमद, इन्होंने क्या किया था, महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि, सुल्तान की उपाधि दी थी। और इतिहासकार द्वारा ये माना जाता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो है वो महमूद गजनवी जो है पहला शासक है, पहला राजा है। किसकी उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है। ओके, और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इसने जो है महमूद गजनवी के जो सिक्के इसने चलवाए थे उस पर इसने क्या लिखवाए थे, अमीर महमूद लिखवाए थे। क्या अंकित करवाया था, अमीर महमूद अंकित करवाए थे इसने। ओके, अब देखिए हम जानते हैं, आप लोग पहली बार तो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है, काफ़ी बार पढ़ा होगा कि महमूद गजनवी ने जो है वो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो इन देखिए ये 17 बार आक्रमण किया था, कब, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। अब देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो इतना ही छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसको थोड़े और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि देखिए बहुत सारे डिटेल में भी नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जिस वर्ष में जो याद रखने लायक है, क्योंकि कभी आपको यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम में जो है वो मैच द कॉलम इस प्रकार दिया जाता है कि मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीर पर जो है आक्रमण जो है वो महमूद गजनवी ने कब किया था। ठीक है, या फिर पूछा जाता है बुंदेलखंड पे आक्रमण कब किया था। ठीक है, तो इस प्रकार भी जो है वो क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहली बार आक्रमण किसने कब किया था, 1000 ईस्वी में इसने किया था, महमूद गजनवी ने। उसके बाद जो दूसरी बार है, अगली बार ही आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, वो क्या किया था, देखिए जयपाल से जो है वो सुबुक्तगीन की लड़ाई हुई थी, सभी को पता है। तो अब देखिए जयपाल को जो है ये क्या करता है, बाद में बंदी बना लेता है। ठीक है, फिर बंदी बना लेता है, लेकिन बाद में पैसा लेकर इसको क्या करता है, जयपाल को छोड़ देता है। ठीक है, जयपाल को जो है वो रिहा कर देता है, वही मैंने लिखा, देखिए बंदी बना लेता है, फिर इससे जो है वो पैसे लेकर इसको क्या कर देता है, छोड़ देता है, रिहा कर देता है। लेकिन जो है जयपाल जो होता है वो इतनी बार हार चुका होता है, आप लोगों ने देखा है कि इसके पिता से ही, महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन से ही इसकी हार हुई थी, कब, वो भी 2-2 बार ये हारा था, प्लस इसके महमूद गजनवी के द्वारा भी बंदी बनाए जाने के बाद लगभग एक प्रकार से इसकी हार ही हो जाती है। तो इतनी हार के बाद जो होता है वो जयपाल जो होता है वो आत्महत्या कर लेता है।
ठीक है, आत्महत्या कर लेता है। फिर उसके बाद जयपाल का जो बेटा रहता है आनंदपाल, वो गद्दी पर बैठता है। कौन? आनंदपाल। फिर उसके बाद देखिए, आनंदपाल के बाद जो है सुखपाल बैठता है गद्दी पर, फिर सुखपाल के बाद त्रिलोचनपाल बैठता है। तो ये भी हम आगे देखेंगे, बस मैंने देखने के लिए इसके बाद कौन कौन आता है। और त्रिलोचनपाल जो होता है वो हिंदू शाही वंश का आखिरी राजा रहता है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए, ये बात कही थी दूसरी बार जब इसने आक्रमण किया था तब की हम बात किए थे कि जिसमें कि हल जयपाल की जो होती है वो मृत्यु हो जाती है, वो आत्महत्या कर लेता है। और देखिए, जयपाल जो हिंदू शाही वंश की जो राजधानी रहती है वो क्या रहती है? वैहिंद रहती है या फिर उद्भांडपुर रहती है। क्या? उद्भांडपुर या फिर वैहिंद। ओके, अगला देखिए जो तीसरा आक्रमण था, ये पहला और दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा जो आक्रमण है वो 1004 ईस्वी में होता है। और कहाँ, किसके किसके विरुद्ध में होता है? भेरा का जो शासक रहता है, कौन? भेरा का शासक बजरा, ठीक है, बजरा के विरुद्ध इसने किया रहता है। और क्यों ये भेरा के शासक बजरा के विरुद्ध ये जो है आक्रमण किया रहता है? क्योंकि देखिए, जब जयपाल के विरुद्ध जो है मोहम्मद गजनवी लड़ाई करना चाह रहा था, तो उस टाइम जो है वो ये जो बजरा है वो क्या कर देता है? मना कर देता है कि हम महमूद गजनवी का साथ नहीं देंगे जयपाल के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। इसीलिए जो है वो महमूद गजनवी ने क्या किया रहता है? भेरा के शासक बजरा पर आक्रमण किया रहता है, इसको हरा देता है। ओके, अगला देखिए, चौथा जो आक्रमण किया था इसने वो 1005 ईस्वी में किया था। कब, कहाँ किया था? मुल्तान पर। बस इसमें इतना ही ध्यान रखने लायक है, ध्यान रखिएगा कि इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। ओके, तो ये चीज़ हो गया क्लियर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आक्रमण। अब देखिए आगे आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि पांचवा आक्रमण जो है वो किसने, इसने 1007 ईस्वी में किसके पाल किया था? सुखपाल के विरुद्ध किया था। और सुखपाल कौन रहता है? जयपाल का पुत्र जो रहता है वो कौन रहता है? आनंदपाल। आनंद के बाद पाल के बाद कौन आता है? सुखपाल। तो सुखपाल के विरुद्ध जो है ये लड़ाई करता है, आक्रमण करता है। फिर छठा जो है वो 1008 में, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सातवां देखिए, 1009 ईस्वी में जो होता है वो सातवां जो आक्रमण किया रहता है 1009 ईस्वी में। और कहाँ किया रहता है? कांगड़ा की पहाड़ी प्रदेश जो है वो नागरकोट पे, ठीक है, इसका जो आक्रमण कहाँ रहता है? नागरकोट पे आक्रमण किया रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आठवां जो आक्रमण है वो 1010 ईस्वी में। और नवा आक्रमण, आई थिंक यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से, तो ये नवा आक्रमण है। और 1012 में, मैं प्रोनाउंस कर दे रही हूँ तो आप समझ जाएगा, आप लिख लीजिएगा कि ये नवा आक्रमण कब है, 1012 ईस्वी में। और देखिए, नवा आक्रमण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, इसमें जो है जितने भी इसके 17 आक्रमण है उसमें मैं अभी आपको बता दूंगी कि भले ही आप 17 हो मत याद रखिएगा, लेकिन कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा। पहले मैं अभी आपको सारे बता देती हूँ, फिर जो बताती हूँ कि कौन से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जो है नवा आक्रमण जो है वो थानेश्वर पर किया रहता है, कब? 1012 ईस्वी में। ये इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों है, ठीक है? क्योंकि थानेश्वर में एक चक्र स्वामिनी का मंदिर रहता है, ठीक है, चक्र स्वामिनी मंदिर। इसने इसको बुरी तरह लूटा था, ठीक है, किसको? चक्र स्वामिनी मंदिर को बहुत बुरी तरह लूटा था। फिर इसका 10वां आक्रमण जो है वो 1012 ईस्वी में होता है। और ये क्या करता है? हिंदू शाही वंश का जो है अंत कर देता है। और हिंदू शाही वंश का अंतिम राजा कौन रहता है? त्रिलोचनपाल, ठीक है। दसवां आक्रमण जो करता है वो पूरे हिंदू शाही वंश को ये खत्म कर देता है। अब अगला देखिए, 11वां जो आक्रमण रहता है उसका 1015 ईस्वी में करता है। और कहाँ पे? कश्मीर पे। तो इसका जो मेन मोटो रहता है, मेन जो उद्देश्य रहता है पांचवें 11वें आक्रमण का, कि ये कश्मीर को पूरी तरह से नियंत्रण पाना चाहता है और कश्मीर को जो है अपने कब्जे में करना चाहता है। इसीलिए इसने 11वां आक्रमण किया था 1015 में, क्लियर। उसके बाद देखिए, 12वां आक्रमण जो है इसने 1017-18 में किया था। कहाँ पे? कन्नौज पे किया था, ठीक है। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने कन्नौज पे आक्रमण किया था। और उस टाइम जो है वो कन्नौज का राजा जो था वो कौन था? राज्यपाल था। और वो किस वंश से बिलोंग करता था, किस वंश से संबंधित था? गुर्जर प्रतिहार। तो आप लोगों को पता ही, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो कन्नौज के लिए कितना युद्ध होता है, ठीक है। तो उस टाइम जो वहाँ का वंश था वो गुर्जर प्रतिहार था। और गुर्जर प्रतिहार का जो राजा था उस टाइम का, वो राज्यपाल रहता है। तो जब राज्यपाल को जैसे ही पता चलता है कि महमूद गजनवी जो है वो आक्रमण करने आ रहा है, वो वैसे ही बिना युद्ध के वहाँ से भाग जाता है। कौन? राज्यपाल, ठीक है। अब ये भाग गया तो जाहिर सी बात है महमूद गजनवी का इस पर जो है कन्नौज पे उसका वो हो गया, हक हो गया। उसके बाद जो है इसी 12वें आक्रमण में, ठीक है, 12वें बार जो आक्रमण किया रहता है महमूद गजनवी में, इसी समय में इसने मथुरा के मंदिरों को बहुत ही बुरी तरह लूटा था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मथुरा के मंदिरों को जो है वो
किस अभियान में या फिर किस बार के आक्रमण में या फिर किस वर्ष में जो है वो महमूद गजनवी ने लूटा था। तो ये जो 12वें आक्रमण 1017-18 में, ठीक है। तो उसके बाद अगला देखिए 13वां जो आक्रमण है वो 1018 में किया रहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। और 14वां आक्रमण जो है वो 1019 में। तो देखिए 14वां जो आक्रमण है 1019 में ये कहाँ किया रहता है आक्रमण, ये बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड का जो उस टाइम जो शासक रहता है वो चंदेल शासक रहता है, जिसका नाम रहता है विद्याधर, ठीक है। कौन? विद्याधर। ओके, तो विद्याधर रहता है, इसके विरुद्ध इसकी लड़ाई होती है। लेकिन बाद में जो है विद्याधर, जैसे ही इसको पता चलता है कि इसकी हार हो होती है, तो वैसे ही विद्याधर क्या होता है, फरार हो जाता है, भाग जाता है, ठीक है। यानी ये विद्याधर को हरा नहीं पाता है। उसके बाद देखते हैं 15वां जो आक्रमण है 1021-22 में इसने पंजाब पर किया होता है। और पंजाब पे जो है मेन पंजाब पे इसका आक्रमण करने का ये उद्देश्य रहता है कि ये वहाँ पे अपनी सैन्य केंद्र स्थापित करना चाहता है, ठीक है। इसीलिए इसने पंजाब को अपने हक में करना चाहता था। तो देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि सैन्य केंद्र के रूप में विकसित करना चाहता था, इसीलिए इसने पंजाब पर आक्रमण किया था। ओके, अगर 16वां देखिए 1025 में देखिए इसने किस पे आक्रमण किया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1025 में इसने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ के मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता है कि इसने मोहम्मद गजनवी को ने बहुत बुरी तरह लूटा था। तो इम्पोर्टेंट याद करने लायक क्या है कि इसमें 21 वर्ष किया था और कौन से नंबर का यह आक्रमण था इसका, तो इसका 16वें नंबर का आक्रमण था, प्लस 1025 में किया था। और उस टाइम का जो राजा था उस टाइम कौन था, भीमदेव प्रथम था। तो भीमदेव प्रथम को ही जैसे पता चलता है कि महमूद गजनवी जो है वो सौराष्ट्र पर आक्रमण कर रहा हो करने आता है, वैसे ये क्या हो जाता है, ये भाग जाता है भीमदेव प्रथम। और ये ध्यान रखिएगा कि जो भीमदेव प्रथम की जो राज्य की जो राजधानी रहती है वो अहिल्यवाड़ रहती है। क्या? अहिल्यवाड़ रहती है। उसके बाद इसका लास्ट अभियान, जो लास्ट आक्रमण रहता है वो 1027 में होता है। वो किसके विरुद्ध होता है? जाटों के विरुद्ध। अब ये जाटों के विरुद्ध इसने अचानक क्यों आक्रमण कर दिया? देखिए क्या होता है कि जब इसका 16वां आक्रमण जब इसने भारत पर किया होता है, तो उस टाइम जब ये सोमनाथ के मंदिर को लूट के जब ये वापस ले जा रहा होता है, वापस जा रहा होता है, तो उस टाइम जाटों ने इसको जो है महमूद गजनवी को बहुत परेशान किया होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान इसको पहुँचाया रहता है। इसीलिए ये निर्णय कर लेता है कि अब मैं आऊँगा तो जाटों को पूरा तहस नहस कर दूंगा, पूरा बर्बाद कर दूंगा। इसीलिए इसने जो 17वां आक्रमण जो है और आखिरी आक्रमण जो है वो जाटों के विरुद्ध किया था। ओके, तो ये था पूरा जो है महमूद गजनवी के बारे में। और उसके बाद जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं वो 1036 से 1086 तक आए रहते हैं। और पूरे कितना इतने के बीच में जो है पूरे 15 शासकों ने शासन किया था। कितने शासकों ने? 15 शासकों ने शासन किया था। लेकिन जैसे ही महमूद गजनवी का अंत होता है, वैसे ही जो है इसकी सत्ता का भी धीरे धीरे क्या होता है, अंत होने लगता है। और फाइनली जो है वो देखिए आगे जो है हम लोग गौरी वंश देखते हैं। तो जो है गजनवी वंश हमने देख लिया, फिर आगे देखते हैं गौरी वंश। तो गौरी वंश में देखते हैं जो मेन जो है हम लोगों को देखना है मोहम्मद गौरी का आक्रमण के बारे में, इसने जो है कब कब आक्रमण किए। तो देखिए इसका जो मोहम्मद गौरी का जो ये पहला आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण किया था। और कहाँ पे? मुल्तान और सिंध पे किया था, ठीक है। मुल्तान और सिंध इलाके में 1175 में जो है वो मोहम्मद गौरी का जो है पहला आक्रमण था। मोहम्मद गौरी भी क्या था? एक तुर्क था, ठीक है। तो अब देखिए फिर उसके बाद, और मुल्तान पे किसका शासन था? करमाथियों का शासन था। मुल्तान पे जो है वो करमाथियों का शासन था। और उसके बाद इसका जो दूसरा आक्रमण था, और जिसमें देखिए इसमें जो मुल्तान और सिंध का आक्रमण होता है, इसमें जो मोहम्मद गौरी की क्या होती है? जीत होती है। उसके बाद गुजरात का देखते हैं। इसका गुजरात अभियान में जो था वो इसके 1875 के ठीक 3 साल बाद करता है ये मोहम्मद गौरी आक्रमण जो है। और इस पे जो है जो कहाँ पे करता है? अहिल्यवाड़ पर आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी। और अहिल्यवाड़ पे जो शासन कौन कर रहा होता है? भीमदेव द्वितीय। और भीमदेव प्रथम हमने कब देखा था? जब महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था गुजरात पे? अपने 1125 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि उस टाइम भीमदेव प्रथम था। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भीमदेव द्वितीय है। तो जो ये जो है मोहम्मद गौरी, ये क्या होती है, इसमें जो है वो इसकी हार होती है, इस अभियान में जो है मोहम्मद गौरी की हार होती है। और
ये जो भीमदेव द्वितीय की जीत होती है, ये जो मोहम्मद गोरी की है, ये भारत में पहली हार है इसकी, ठीक है। मोहम्मद गोरी की ये पहली पराजय यानी पहली हार है भारत में। उसके बाद इसका अगला अभियान जो रहता है उसके ठीक एक साल बाद जो है वो है पंजाब अभियान। देखिए पंजाब अभियान जो है इसमें क्या रहता है, गजनवी वंश का एक शासक रहता है मलिक खुसरो, ठीक है। हमने देखा था कि जो पंजाब पे जब ये आक्रमण, पंजाब जो रहता है वो क्या, मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी जो था वो पंजाब को क्या बनाना चाहता था, अपना सैन्य केंद्र बनाना चाहता था, ठीक है, ये हमने देखा था। तो इस टाइम जब ये मोहम्मद गोरी जब पंजाब का अभियान करता है, पंजाब पर आक्रमण करता है, तो उस टाइम जो है गजनवी वंश का जो एक शासक रहता है मलिक खुसरो, इससे क्या होती है इसकी मतलब देखिए मेन बात होता क्या है, जब ये पंजाब अभियान के लिए आता है तो मोहम्मद गोरी और मलिक खुसरो, ठीक है, मोहम्मद गोरी ये बोलता है कि इसको जो है धोखे से संधि करने के लिए बुलाता है, किसको, मलिक खुसरो को। और जैसे ही इसको संधि करने के लिए बुलाता है और ये जाता है, वैसे ही मलिक खुसरो को जो मोहम्मद गोरी रहता है वो बंदी बना लेता है, क्लियर, ठीक है। तो बंदी बना लेता है, तो अब इसके बाद पंजाब जो है, पंजाब पे तो इसकी जीत ही हो गई। अब उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तराई का प्रथम युद्ध, तराई का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन होता है, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का राजा जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये याद रखिएगा कि तृतीय है, ओके। और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, और जो पृथ्वीराज चौहान रहता है उस वो कहाँ रहता है, दिल्ली और अजमेर का शासक रहता है, क्लियर। अब देखिए जो क्यों होता है ये तराई का प्रथम युद्ध, हमने देखा कि जो पंजाब पे है वो मोहम्मद गोरी का जो है वो अधिकार हो चुका है। अब पंजाब से ही सटा हुआ क्या है, दिल्ली है, राजस्थान है, ठीक है। तो जब दिल्ली और राजस्थान से क्या हो रहा, मोहम्मद गोरी जब ये आगे बढ़ रहा था और विस्तार करने की कोशिश कर रहा था, तो इसीलिए जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो से ही इसकी लड़ाई होती है, जिसमें कि मोहम्मद गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, ठीक है। तो उसके बाद ठीक एक साल बाद जो हम देखते हैं तराई का द्वितीय युद्ध, तराई ठीक एक साल बाद होता है तराई का द्वितीय युद्ध, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी की क्या होती है, जीत होती है, क्लियर। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो मोहम्मद गोरी, ऐसा माना बोला जाता है कि मोहम्मद गोरी ने जो है वो पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लिया था, कैद कर लिया था और अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है। तो देखिए इसका जो एक साक्ष्य मिलता है, ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो सिक्के जो थे, ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान ने जो अपने सिक्के चलाए थे उस पर श्री मोहम्मद साम जो है वो अंकित कराया था उन सिक्कों पे, ये इंडिकेट करता है, ये मतलब दिखाता है कि जो मोहम्मद गोरी है, ठीक है, इसने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है, कैद कर लिया था। उसके बाद देखिए कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने हैं, अभी देखिए चंदावर का युद्ध भी देखते, फिर यहाँ से देखिए कि देखिए अब इसमें जो होता है दिल्ली पर किसका शासन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का था, तो अब ये जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि तुर्कों, ठीक है, यानी मोहम्मद गोरी जिस टाइम था, तो मोहम्मद गोरी का जो है यानी तुर्कों का जो दिल्ली पर अधिकार हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद जो है फाइनली जो है तुर्कों का जो है दिल्ली पर अधिकार हो गया था, तो हम क्या बताएंगे, तराई का द्वितीय युद्ध, ओके। अगला देखते हैं चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध जो है वो तराई के द्वितीय युद्ध के ठीक दो साल बाद होता है, ठीक है, वो किसके किसके बीच में होता है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है, ओके। तो देखिए मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें कि जयचंद की हार होती है और पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की जो है वो जीत होती है, शायद मैंने पृथ्वीराज चौहान बोल दिया था, मोहम्मद गोरी, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है और जयचंद की हार होती है। तो ये होता क्या, क्यों है ये युद्ध, चंदावर का युद्ध क्यों होता है, देखिए मेन जो है मोहम्मद गोरी का जो ये मकसद होता है कि वो कन्नौज पर क्या करे, ये विजय प्राप्त करे, लेकिन कन्नौज पे उस टाइम जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में था, जयचंद के, ठीक है, तो इसीलिए जो है वो युद्ध होता है, ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। अगला देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए फिर उसके बाद जब इस चंदावर के युद्ध के बाद जो है वो मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है, तो वापस जाने से पहले क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत में अपना प्रतिनिधि बना देता है, ठीक है, और गोरी जो है वो गजनवी लौट जाता है, क्लियर। लेकिन ये जब गजनवी लौटता है, लेकिन फिर बाद में दोबारा भारत आता है, तो आगे देखेंगे। तो इस टाइम जो है ये जो चंदावर का युद्ध के बाद जो है वो गोरी जो है वो कहाँ लौट जाता है, गजनी लौट जाता है,
ठीक है, और सारा जो पूरा अपना प्रतिनिधि है किसको सौंप देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा देख रेख के लिए दे देता है। उसके बाद देखिए कि गोरी के बाद है ना, गोरी के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान का एक भाई रहता है हरिराज, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का भाई हरिराज जो रहता है वो देखिए आमेर पे दोबारा क्या करना चाहता है, दोबारा कंट्रोल पाना चाहता है, दोबारा अपने हक में लेना चाहता है, नियंत्रण पाना चाहता है। तो लेकिन क्या करता है, अब देखिए अजमेर पे जो है कुतुबुद्दीन भी पहले तो अब जो देखिए यहाँ पे हार हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है ये अब ये मोहम्मद गोरी के हाथ में था, तो अब ये किसके हाथ में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में है। तो अगर किसी का अधिकार क्षेत्र में आप लड़ाई करेंगे करने जाएंगे, किसी का अधिकार क्षेत्र को अपनाने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अनबन तो होगी। तो कुतुबुद्दीन से क्या करती होती है, इसे लड़ाई होती है और क्या होता है जिसमें हरिराज क्या होता है, हरिराज की हार हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत हो जाती है, ठीक है। तो जिसमें कि हरिराज जो रहता है वो बहुत ही अपमानित महसूस करता है कि मेरी हार हो, एक्चुअली जो है वो वीडियो पॉज हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पे जो था हम लोग कहाँ देख रहे थे, हाँ, तो गोरी को जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो है वो, हाँ, गोरी के बाद जो पृथ्वीराज चौहान का जो भाई रहता है हरिराज, ठीक है। तो ये क्या सोचता है कि ये अजमेर पे दोबारा नियंत्रण पाना चाहता है, लेकिन उस टाइम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इसे हरा देता है, ठीक है। तो हार के बाद हरिराज जो है वो हार जाता है और इस ये बहुत ही अपमानित महसूस करता है और आत्महत्या कर लेता है, क्लियर। तो ये देखिए इस अवसर पर जब ये हरिराज आत्महत्या कर लेता है, इस अवसर पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक वो क्या करवाता है कि हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करवा के उनके अवशेषों पे, ठीक है, उनके अवशेषों पे तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है, क्लियर। उसके बाद देखिए बिहार और बंगाल के अभियान के बारे में देखते हैं कि बिहार और बंगाल का अभियान तो इन लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ये लोग इसको भी विजय हासिल कर लेंगे। एक्चुअली होता क्या है, बिहार और बंगाल के विजय के लिए ये जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साधारण से सरदार को भेजता है जिसका नाम रहता है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इतना बड़ा नाम देखिए, सिर्फ आप इतना याद रखिए, बख्तियार खिलजी। तो ये अपने साधारण से सरदार को भेजता है जो कि बंगाल और बिहार दोनों को विजित कर लेता है, जीत लेता है। और जब ये बिहार के अभियान पे रहता है तो उसी टाइम जो है ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को ये बुरी तरह नष्ट कर देता है, क्लियर। अब आगे देखिए क्या है कि हाँ, हमने देखा था कि जो चंदावर के युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गोरी जो रहता है वो वापस जो है वो गजनी वापस लौट जाता है, लेकिन दोबारा आता है। जब ये दोबारा आता है तो क्या होता है कि ख्वारिज्म शाह के साथ इसके युद्ध होता है, ठीक है। जो ख्वारिज्म शाह जो होता है वो इसका एक शत्रु होता है, तो ख्वारिज्म शाह के साथ इसकी युद्ध होती है, तो जिसमें कि मोहम्मद गोरी की हार होती है और ख्वारिज्म शाह की जीत होती है। आप ये ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गोरी की जो है ये दूसरी हार है, ठीक है। पहली हार कब हुई थी, जब हमने देखा था गुजरात का अभियान जो हुआ था जिसमें भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था, ये जो है गोरी की पहली हार थी और ये जो है ख्वारिज्म शाह से इसकी दूसरी हार है, ये हमने देखा है। तो देखिए जब ख्वारिज्म शाह इसकी जीत होती है तो ये जो है सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करता है, क्लियर। अगला देखिए जो है, हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो गोरी का जो अंतिम अभियान रहता है वो पंजाब के खोखरो जातियों के विरुद्ध होता है, किसके, पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध होता है इसका अंतिम अभियान। अब देखिए जो है इसकी गोरी की मृत्यु कब होती है, 1206 ईस्वी में होती है, कब होती है और कैसे, देखिए कहाँ होती है ये ध्यान देखिए कि सिंधु नदी के तट पर जो है, सिंधु नदी के तट पर एक दमदम नामक का स्थान है, वहाँ पे जो है ये शाम के टाइम जो है नमाज कर रहा होता है, ठीक है। तो उसी टाइम कुछ लोग आते हैं और उसको मारकर चले जाते हैं, और इसका जो इसे कहाँ दफनाया गया था, ठीक है, इसे गजनी में ले जाकर दफनाया गया था, क्लियर। तो ये सब रहा जो है मोहम्मद गोरी के बारे में, और हमने पिछला क्या पढ़ा, महमूद गजनवी के बारे में, उससे पहले हमने क्या पढ़ा, अरबों का आक्रमण, ठीक है, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखा था। अभी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए कि मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलवाए थे, ठीक है, तो 56 ग्रेन के एक सिक्के चलवाए थे जिसको, तो हम कहाँ देख रहे थे, इसने जो है मोहम्मद गोरी ने 56 ग्रेन के सिक्के चलवाए थे जिसे दिल्ली वाला कहते थे, और महमूद गजनवी के दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान देखेंगे, तो इसे हम याद करेंगे फूफा ट्रिक से, जैसे बुआ फूफा होते हैं ना, तो फूफा से याद करेंगे, एफ से फिरदौसी, यू से उत्बी और अंसूरी, और एफ से फरूखी याद करेंगे, और ए से अलबरूनी। ये सारी चीज़ें देखिए, एफ से फिरदौसी, यू से उत्बी और अंसूरी, एफ से फरूखी और ए से अलबरूनी, याद हो गया। अब देखते हैं जो फिरदौसी की जो रचना है शाहनामा, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो शाहनामा जो है देखिए ये याद रखिएगा कि शाहनामा जो है वो भी फारसी में लिखी गई है, लेकिन देखिए जो फिरदौसी है, फिरदौसी ने जो है फारसी भाषा की नींव रखी थी, किसने, एफ से फिरदौसी, एफ से फारसी, बहुत ही सिंपल है।
और देखिए जो है इसे जो है महमूद गजनवी ने एक उपाधि दी थी पूर्व का होमर नाम से, ठीक है, पूर्व का होमर नाम से इसे फिरदौसी को उपाधि दी थी। यूसे उतबी, उतबी जो रहता है वो महमूद गजनवी के दरबार में प्रमुख इतिहासकार, ठीक है, अंसूरी, एफ से फरूकी और ए से हम देखेंगे ए से अलबरूनी। अलबरूनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के साथ जो है वो भारत आने वाला विद्वान कौन है, तो वो है अलबरूनी। और के कब आया था, 1018-19 ईस्वी में, और इसकी जो प्रमुख किताब है वो है किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो अलबरूनी की है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का विद्वान रहता है, खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन और धर्मशास्त्र। तो ये था पूरा इम्पोर्टेंट, ये था पूरा जो है वो लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो हम ऐसे ही आगे जो है मेडिवल हिस्ट्री के जो पार्ट्स लाएंगे, ये लेक्चर 1 है, तो ऐसे ही लेक्चर 2, लेक्चर 3 आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।